हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जॉइंट। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सिविल जॉइंट की तरफ से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस गोरखपुर ट्रेजेडी। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। व्हाई इट इज इन लाइट गाइज, देखिए गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रिसेंटली क्या हुआ, ऑलमोस्ट 60 चिल्ड्रेन की डेथ हो गई और ये डेथ फ्रिक्वेंटली हुई, इस वजह से ये बहुत लाइट में आ गया। और ये कहाँ हुई, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है गोरखपुर में, वहां हुआ ये इंसिडेंट। इसके वेरियस रीजन माने जा रहे हैं इस इंसिडेंट के होने के, उनमें से एक है जापानीज इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। और ये भी ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई भी हुई थी, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुक गई थी, इस वजह से भी चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। देख लेते हैं गाइस ये सब क्या है। व्हाट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज जो जेई है, जेई वायरस एक फिलावी वायरस है जो कि रिलेटेड करता है मतलब डेंगू वायरस से, येलो फीवर से और वेस्ट नाइल वायरस से, मतलब इससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन, जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, या कह सकते हैं आप जलन होती है उसमें, और सूजन से आ जाती है। और उससे क्या होता है, रेपिडली जो होता है फीवर इंक्रीज होता है, इससे डेथ भी हो जाती है। ये स्प्रेड होता है ह्यूमन में फ्रॉम पिक्स से और वाटर बर्ड से, जो वाटर बर्ड्स होते हैं और पिक्स से स्प्रेड होता है। क्या होता है बेसिकली, जो पिक्स और वाटर बर्ड होते हैं इसके अंदर ये वायरस पाया जाता है, ये फिलावी वायरस जो कि जेई को स्प्रेड करता है वो पाया जाता है। और हमारे में कैसे फैलता है, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होता है इस वायरस से इन्फेक्टेड, वो हमें काटता है, बाइट करता है, तो उससे ये हमारे में ट्रांसमिट हो जाता है। लाइक मलेरिया, मलेरिया भी हमारे में ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, और डेंगू भी। तो ये कुलेक्स फैमिली का ही वायरस होता, सॉरी मॉस्किटो होता है जो इसको स्प्रेड करता है। ओके गाइज, इस लार्जली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो 16 साल के कम के बच्चे होते हैं उनको लार्जली ज्यादातर ये अफेक्ट करता है। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, ये यहाँ पर ऑल ओवर द ईयर पाया जाता है। बट ये कब बढ़ जाता है, जब रेनी सीजन होते हैं, रेनी सीजन में ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वाटर ज्यादा हो जाता है। और प्री हार्वेस्ट पीरियड इन द राइस कल्टिवेशन रीजन, जो राइस कल्टिवेशन रीजन होते हैं वहां पर प्री हार्वेस्ट राइस फील्ड गाइस कैसी होती है, देखिए ये राइस फील्ड है और ये वाटर लॉगिंग होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब राइस को वाटर की बहुत जरूरत होती है, तो उनको लोग मतलब भर के रखा जाता है फील्ड को वाटर। तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, बर्थ बोर्न हो जाते हैं उससे ये डिजीज वहां, इसलिए यहाँ वहां ज्यादा फैलती है। ओके, ये डिजीज प्रिवेंटेबल है बाय वैक्सीन से, इसको रोका जा सकता है। जेई वायरस फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था इंडिया में 1955 में और इसका फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ था तमिलनाडु में। ऑल्दो ये अब उस रीजन में कम हो गया है और इसने नई जगह अपना होम बना लिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, जो बेसिकली अपना ईस्टर्न इंडिया है वहां, और देखा जाए तो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, इस रीजन में ये ज्यादा पाया जाता है, पौंडीचेरी में। ओके गाइस, अब देख लेते हैं व्हाट इज एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। देखिए गाइस, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म किस लिए, इसमें क्या है, जो भी डिजीजेस होती है वो जो इन्फ्लेमेटरी होती है ब्रेन के लिए, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ब्रेन के अंदर, वो सारी डिजीज इसके अंदर डाल दी गई है, ये कोई एक डिजीज नहीं है। ओके, और सारी डिजीज क्यों डाल दी है, क्योंकि ये डिफिकल्ट होती है डिफ्रेंशिएट करने में, तो इसको एक टर्म दे दिया WHO ने 2006 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ओके गाइज, कॉजेस क्या है इसके, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन इन अनराइप लीची फ्रूट, जो लीची फ्रूट होता है, देखिए नीचे देखिए, ये जो है लीची फ्रूट है, ये जब अनराइप होता है इसमें टॉक्सिन पाया जाता है, उससे भी ये वायरस फैलता है, जो कि मेन रीजन है हमारे ईस्टर्न यूपी में इस वायरस के फैलने का। फंजाई, पैरासाइट, इनसे भी फैलता है। इट इज नॉट प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, देखिएगा इस, याद रखिएगा, AES है जो नॉट प्रिवेंटेबल है, पर JEE है जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है वो प्रिवेंटेबल है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया में जो AES का आउटब्रेक होता है वो नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, चिल्ड्रन क्या करते हैं वहां के, ईट करते हैं मतलब खाते हैं अनराइप लीची, ठीक है, और खाली पेट खाते हैं, एम्प्टी स्टमक खाते हैं, इस वजह से
यहाँ ये ज्यादा पाया जाता है AES। क्या होता है इसमें, जो लीची में एक टॉक्सिन होता है उसका नाम है हाइपोग्लाइसिन ए, ये नेचुरल एमोनियो एसिड होता है। और ऐसे ही एक और टॉक्सिन पाया जाता है उसका नाम है मेथिलीन साइक्लोपेरल ग्लाइसिन MCPG। ये दोनों पाए जाते हैं अनराइप लीची के अंदर, जिससे ये वायरस फैलता है। अगर इसको ज्यादा मात्रा में हम इसको खा लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में इस टॉक्सिन को, तो इससे हमें वोमिटिंग भी होती है। ओके, वोमिटिंग भी होती है। तो चिल्ड्रन जो क्या करते हैं, वहां पर एम्प्टी स्टमक इसको खाते हैं, इस वजह से उनमें टॉक्सिन फैल जाता है और उनको ये डिजीज एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, लार्जेस्ट एस बर्डन है वहां पर, मतलब सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के ऑल ओवर इंडिया। वाई गोरखपुर, गोरखपुर में ही क्या हुआ? अब देखिए गोरखपुर में होने के रीजन क्या है इसके, ये जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मैंने बताया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हाईली एंडेमिक है जेई और AES के लिए। ओके, क्योंकि वहां रेन ज्यादा होती है, ठीक है, और वाटर ज्यादा है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हैं, इस वजह से वो ज्यादा होता है। देख लीजिए और भी रीजन, जैसे यूनिक ज्योग्राफी है उसकी, अबेंडेंस ऑफ पेडीफील्ड, पेडीफील्ड बताया वहां पर बर्थ रहता है वो मॉस्किटो जो इसको स्प्रेड करता है, कुलेक्स मॉस्किटो। ओके, जो इसको फैलाता है पेडीफील्ड के अंदर। और जो इसकी टोपोग्राफी है, मतलब जो लैंडस्केप है, बॉल शेप है, बॉल मतलब कटोरा होता है ऐसा, बॉल मतलब प्याला जो होता है जिसको हम कहते हैं कटोरा, उसकी तरह इसका लैंडस्केप, उसमें क्या होता है इजिली पानी फिल हो जाता है, उस वजह से मॉस्किटो ज्यादा बोर्न होते हैं तो ये डिजीज ज्यादा फैलती है। हैवी रेन, हैवी रेन भी एक रीजन है, ठीक है, उससे क्या होता है आइडल ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है मॉस्किटो को, जो ट्रांसमिट करता है वायरस को फ्रॉम पिग टू ह्यूमंस। ओके, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाला रीजन है, जिससे ये फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है किसके लिए, जेई वायरस के लिए। ईस्टर्न यूपी है जो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन है इन कंट्री का, हमारी कंट्री का, और पॉवर्टी और पुअर हेल्थ सर्विस जो होती है वो और इंक्रीज कर देती है प्रॉब्लम को। BRD मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है वो एक ओनला, एक वन एंड ओनली हॉस्पिटल है विद इन 300 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में, जिसके पास डिसेंट फैसिलिटीज है ट्रीट इंसेफलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ओके गाइस, इसलिए वहां पर केसेस बर्डन उस हॉस्पिटल पे ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको बेयर नहीं कर पाता है, इस वजह से वहां पर ये आउटब्रेक हुआ। नेक्स्ट देखिए चैलेंजेस क्या है कंट्रोलिंग में जेई के, जापानीज इंसेफलाइटिस के, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने बताया सिर्फ इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था BRD हॉस्पिटल, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन नहीं है। अनक्लियर डाटा ऑन डिजीज बर्डन, मतलब कि डिजीज कहाँ का बर्डन, किस एरिया में बर्डन ज्यादा है और किस एरिया में नहीं है, वो हमारे पास डाटा ही नहीं है। सपोज करो ए और बी दो एरिया है, यहाँ पर ए में बर्डन ज्यादा है बी में नहीं है, पर फैसिलिटी दोनों को बराबर दे रखी है टेकल करने के लिए, किसको, जापानीज इंसेफलाइटिस को। ए में ज्यादा बर्डन है तो इसको फैसिलिटी ज्यादा देनी चाहिए जेई की ट्रीटमेंट के लिए, जो जेई का टेक केयर कर सके। लेक ऑफ एसेस टू क्लीन वाटर एंड टॉयलेट, ठीक है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से डिजीज इजीली फैलती है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक जेई वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम लॉन्च किया था 38 डिस्ट्रिक्ट में, बट उसको क्या हुआ, वो वैक्सीनेशन तो लगा दी पर उनको क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई गई, उससे क्या हुआ वो वायरस स्प्रेड हुआ इजिली और वैक्सीनेशन ड्राइव का कोई फायदा नहीं हुआ। तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी भी सप्लीमेंट की जानी चाहिए, जिससे वो जो वायरस है वहां बर्थ ही ना ले। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या क्या लिए इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, जेई और AES को नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को ही सौंप दिया कि आप संभालो इसको और आप ही उसको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप डील कीजिए इसको। और ये प्रोग्राम किसके अंडर में आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, जेई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ओके, इसके अंदर टू डोज दी जाती है चिल्ड्रन को जो इन्फेंट होते हैं,
एक तो दी जाती है 9 to 12 month के बीच में और दूसरी दी जाती है 16 to 24 month के बीच में इन्फेंट को दी जाती है जिससे वो इम्यून हो सके अगेंस्ट जेई जापानीज इंसेफ्लाइटिस के अगेंस्ट। ओके वे फॉरवर्ड में अब हम क्या अब देखेंगे कि हम एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिससे क्या होगा इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इस डिजीज को प्रमोट करते हैं ओके उन पे हम चेक कर सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छे सर्विलेंस सिस्टम से। कैसे देखिए जब भी रेन इंक्रीज होगी तो हम मेजर ले सकते हैं कि हाँ इस एरिया में ये एरिया वाटर लॉगिंग का एरिया है तो हम उसको वाटर लॉगिंग पहले से ही उसके लिए प्रिकॉशन ले लेंगे जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो मॉस्किटो बोर्न नहीं होंगे ज्यादा। ओके गाइज जेई का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ओनली प्रिवेंशन ही जो है हम इसका कर सकते हैं जिससे ये डिजीज कंट्रोल में आएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें हाई क्वालिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चाहिए जिससे ये डिजीज प्रिवेंट की जा सके। ओके मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चाहिए राइस उगाने की जो टेक्निक है जिसमें वाटर लॉगिंग होती है ठीक है उसमें हमें मेजर्स लेना चाहिए लाइक एसआरआई टेक्निक उगा लेनी नहीं यूज करनी चाहिए जिसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती है। पिग वैक्सीनेशन पिग जो होस्ट होता है इस वायरस का उसमें उसको वैक्सीन देनी चाहिए। वेक्टर कंट्रोल जो मॉस्किटो बोर्न होते हैं उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। रिगरस मॉनिटरिंग जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो होंगे जी केसेस वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि उनको अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेगी ठीक है तो और सैनिटेशन सर्विस मिलेगी वाटर सर्विस अच्छी मिलेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो वो बीमार कम पड़ेंगे। अवेयरनेस नीड टू बी डेवलप अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों को हमें अवेयर करना होगा गवर्नमेंट को या हम लोगों को भी कि आप मॉस्किटो जो बाइट होता है उससे बचे। अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं आपको की फील होता है कि आपके हेडेक हो रहा है और फीवर हो रहा है तो आप इंस्टेंटली जाके डॉक्टर को चेक कराइए क्योंकि अर्ली स्टेज में हम इसको इजीली रोक सकते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस को अर्ली स्टेज में इजीली रोक सकते हैं और अगर देर होती है तो फिर वो एक एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको रोकना मुश्किल होता है। ओके गाइज तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट शुड लॉन्च मोर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड जो है इस फील्ड के अंदर लाने की जरूरत है इंक्लूडिंग नर्सेस। नर्सेस कैसे कि गाइज अगर नर्सेस को ट्रेंड कर दिया जाएगा जापानीज इंसेफ्लाइटिस केस डील करने के लिए तो डॉक्टर्स के ऊपर जो लोड है वो थोड़ा कम होगा। ओके गाइज और आयुष डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर आना चाहिए जिससे कि लोड कम हो और जो ज्यादा केसेस हो रहे हैं उनको टेकल किया जा सके। आयुर्वेदा आयुष की फ्लोफॉर्म में आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके गाइज थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतना ही था इस वीडियो में शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज सेव टाइम सेव ट्रीच एंड एनरिच योर सेल्फ। थैंक यू गाइज।